नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल धाकड़ एग्रो फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त मनीष धाकड़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमारी खेती के अंदर लगभग खरपतवार बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे फसल का उत्पादन काफ़ी कम होता है और हमें बहुत नुकसान होता है। और यदि इसको सही समय पर कंट्रोल नहीं किया जाए तो 70 से 80% हमारी फसल नहीं उगने देता है। ये किसान भाइयों, खरपतवार बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु कुछ खरपतवार इतने खतरनाक होते हैं कि उनको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक खरपतवार के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा चलता है खेतों के, जिसको मोथा भी बोलते हैं और हमारे राजस्थान भाषा के अंदर मेवाड़ी में मोतिंगा भी बोला जाता है उसको। किसान भाइयों, ये किसी ने नहीं पता लगाया होगा कि ये क्यों होता है और इसको किस तरह से हम कंट्रोल करें इसको। सबसे पहली बात तो ये है कि हम बिना पैसे खर्च किए इसको कैसे कंट्रोल करें, और एक दूसरा है जो हम केमिकल की सहायता से इसको कैसे कंट्रोल करें। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोथा खरपतवार के बारे में। इस खरपतवार की वजह से बहुत सारे किसान परेशान होते हैं। दोस्तों, परेशानी की बात यह है कि इसको ना तो हाथों के द्वारा निकाला जा सकता है, ना ही खुरपी के द्वारा निकाला जा सकता है। इसको दो तरीक़ों से निकाला जा सकता है। सबसे पहले तो आप केमिकल का स्प्रे कीजिए, और दूसरा तरीका हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। अप्रैल मई के अंदर खेत खाली होते जाते हैं। किसान भाइयों, आज मैं वो आपको तरीका बताऊंगा एक, बिना किसी केमिकल की सहायता से आप 100% आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह उन खेतों में सबसे ज़्यादा होता है जिसमें गर्मियों के दिनों के अंदर सिंचाई ज़्यादा की जाती है। गर्मियों के दिनों में जहाँ ज़्यादा सिंचाई होगी, या फिर साल के 12 ही महीने में खेत के अंदर नमी बनी रहेगी, तो उन खेतों के अंदर यह खरपतवार, मोतिंगा खरपतवार, उन सब में यह सबसे ज़्यादा होता है। सबसे पहले यदि आपके खेत के अंदर एक भी पौधा आ जाए तो यह जो अपनी जो प्रजाति ग्रोथ है बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। ये जैसे कि आप मेरे हाथ में मोते का पौधा देख सकते हैं, इसके जो नीचे 9 गांठें होती है, बीज होता है, उसके अंदर से ये एक पौधा निकला और बाकी की सारी नीचे टूट गई ज़मीन के अंदर। इसी तरह से यह अपनी ग्रोथ को बढ़ाता जाता है। और किसान भाई, जब हमारी फसल खड़ी होती है तब हम स्प्रे करते हैं, तो ये सिर्फ एक ही दवाई ख़त्म कर सकती है। इसके ऊपर एक केमिकल ही काम करता है, बाकी दूसरे केमिकल होते हैं जो वो इस पर काम नहीं करते हैं, और यदि वो काम भी करेगा तो इनकी पत्तियाँ नीचे झुक जाएगी बस, और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बाकी जो इसका जो नीचे का भाग है, जड़ है इसके नीचे की, इसकी जो गांठें होती हैं वो उसी प्रकार पहले थी उसी अवस्था में रहेगी, और कुछ दिनों बाद इसमें नई कलाइयाँ निकल आएगी। दोस्तों, गर्मियों के अंदर जिस खेत में इस मोतिंगा की समस्या ज़्यादा होती है, उस खेत को आप गर्मियों के दिनों में काफ़ी अच्छी तरीके से जुताई कीजिए उसकी MB प्लाव की सहायता से। जैसे कि आप हमारे वीडियो के अंदर देख सकते हैं, इसी तरह से आप अपने खेतों के अंदर गहरी जुताई करके इसको ख़त्म कर सकते हैं, जिससे होता है क्या है, ये मिट्टी होती है वो उलट पुलट होती है। उन खेतों की आप अच्छी तरह से जुताई कर दीजिए, गहरी जुताई होगी तो वो मिट्टी ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली मिट्टी नीचे चली जाएगी, तो उससे वो दब जाएगा मिट्टी के अंदर। गहरी जुताई करने से जो इनके बीज होते हैं वो ऊपर आ जाएंगे, और मई जून में तेज़ गर्मी की वजह से ये ख़त्म हो जाएंगे, जो बीज होते हैं वो सूख जाएंगे। हमने भी हमारे खेतों के ऊपर ये करके देखा है दोस्तों, जैसा कि आप अम्बी प्लाव हमारे खेत के अंदर चलते हुए देख सकते हैं। अब आती है दूसरी बात, खेतों के अंदर ज़्यादा नमी हो और हम खेत को अच्छी तरह से जुताई नहीं कर पाए, खेतों के अंदर फसल हो उस टाइम पर, उसको हम कैसे ख़त्म करें, सबसे मेन बात यह है। तो दोस्तों, मार्केट में इसके लिए एक टेक्निकल आता है जिसका नाम है मीरा 71, जिसमें ग्लाइसोफेट 71% ऐसी फॉर्म में आता है। ये जो ये मोतिंगा होता है वो इससे ही ख़त्म होता है। ये काफ़ी अच्छी दवा है, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें अपने खेत के ऊपर। दोस्तों, इसकी जो सावधानियां भी होती हैं कुछ, तो वो सबसे पहली सावधानी है, किसान भाई जब आपके खेतों के अंदर फसल खड़ी हो उस वक्त आप इसका स्प्रे ना करें, क्योंकि इससे आपकी फसल भी ख़त्म हो जाएगी और यह भी ख़त्म हो ही जाएगा। इसको तब स्प्रे करना है जब हमारी फसलें हम काट कर निकाल लें, उसके बाद इसको स्प्रे करें। फसल निकालने के बाद आप फिर से खेतों के अंदर नमी बनाएंगे। किसान भाइयों, कोई भी केमिकल हो तभी काम करेगा जब खेत के अंदर नमी होगी। नमी होगी तो वो सबसे अच्छा रिजल्ट देगा और आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। खेत के अंदर जब अच्छी नमी हो जाए 2 या 4 दिन बाद, उस समय आप मेरा 71 पंप की सहायता से 15 लीटर की जो टंकी आती है उसके अंदर मिलाकर छिड़काव कर दीजिए। दोस्तों, आपका काम हो जाएगा, इसको स्प्रे कीजिए, आपका जो रिजल्ट है वो 100% होगा। आपको रिजल्ट 10 से 12 दिनों के अंतराल में मिल जाएगा। सबसे पहले इसकी पत्तियां पीली पड़ने शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे फिर जड़ों के अंदर। यह एक सिस्टमिक तरीके से काम करता है, जो कि पत्तियों से होकर फिर नीचे धीरे धीरे ज़मीन के अंदर जाता है और फिर इनके जड़ों को फिर ख़त्म कर देगा इसको। किसान भाइयों, इसके स्प्रे करने के बाद कम से कम
महीने डेढ़ महीने तक अपनी फसल ना लगाए खेत के अंदर, उस खेत को ऐसे ही खाली छोड़ देना चाहिए। एक महीने के अंदर जो आपका है मोथिंगा या मोथा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जड़ से ख़त्म हो जाएगा। दोनों तरीके से काम कर सकते हैं, मेरा इगोतर का भी, और गर्मियों के अंदर अच्छी तरह से गहरी जुताई करके आप अपना इसको ख़त्म कर सकते हैं। गर्मियों के दिनों में होता क्या है कि जो नीचे जो इसकी ज़मीन में गांठें हैं वो सभी बाहर आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, तो ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से ये सूख जाएगी, तो ये मोथिंगा पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो किसान भाइयों, यदि छोटी सी जानकारी इस वीडियो में हमने आपको दी, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास आए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।